नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो भी हमारा पार्टिसिपेंट वाइज सॉरी जो एफआई का सेक्टर रोटेशन वाइज और आपको स्टॉक सिलेक्शन है, उसको हमें कैसे अपने सिस्टम में सेव करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे एनालिसिस करना है, उस पार्ट को हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होता है। अगर आप एक्सेल शीट लेते हैं, एक्सेल शीट जब आप ले लेते हैं हमसे, मैं आपको एक्सेल शीट देता हूँ, आगे का प्रोसेस हमें कैसे करना है। चलिए, आप एक्सेल शीट लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, एक्सेल शीट को सेव कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक्सेल शीट को सेव कर लिया कहीं पर भी। देखिए, मैंने सेव कर रखा है, यहाँ मैं ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, ये क्या होगा, एक मिनट, ये कुछ कनेक्शन का नहीं है इसका, मेरा कोई एक सिस्टम खुला है, इसको मैं एक बार बंद कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे करना है। जस्ट एक मिनट, तो ये जैसे आपका सिस्टम ओपन होगा, जैसे हमारा एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा, तो सबसे पहले कुछ इनिशियल चीज़ें ऐसा मांगेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ इनेबल एडिटिंग करके आएगा, तो यहाँ आप इनेबल एडिटिंग कर देंगे। इनेबल एडिटिंग करने के बाद ये आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या होगा कि आप इसको एक बार रिफ्रेश पे जाएंगे। यहाँ देखिए, ये सबसे पहले क्या होता है, ये डेट ऑटो में चेंज होता है। आप एक एक चीज कर लीजिए। यहाँ पे हमें मान लीजिए अभी 25 तक अपडेट है, ठीक है, तो हमको 26 27 28 को अपडेट करना है। तो यहाँ आप जैसे ये डेट है, इसको हमें 28 का मतलब यहाँ 2 दिन पहले का, आज 29 है, तो यहाँ 2 कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 28 का डेट आ जाएगा। आप देखिए 28 का डेट ऑटो में आ गया, ठीक है, ऑटो में जैसे 28 का डेट आ गया, 25 के बाद 28 का, तो आपको एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश पूछेगा कि डी वन रिफ्रेश, यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो इनिशियल में आपको क्या होगा कि ये चीज़ें आपको सिक्योरिटी पर्पज से सेव होने के लिए मांगेगा। ये देखिए, आप जैसे इग्नोर प्राइस लेवल है, आपको यहाँ या इग्नोर कर देना है आप यहाँ पे, और इसको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे, ये आपका एक्सेल शीट पूरा इस ए वन टाइम मांगता है, सिंगल टाइम वन होगा, आपको सिंगल टाइम में ये सेव हो जाएगा डाटा, ठीक है। ये पूरा देखिए क्या होगा, सीट होगा। और आप देखें यहाँ, जब 28 का जैसे अपडेट करेंगे 2 दिन पहले, तो हम एक बार चेक करेंगे कि डाटा आया कि नहीं। तो आप यहाँ देखें कि वाव कॉपी में जब जाएंगे आप, तो वाव कॉपी में आप ये देख रहे होंगे कि डाटा आपको 28 का दिखने लगा, यहाँ 28 का, और आपको दो जगह डाटा चेक करना है। ये आपको ये भी, ये देखिए 28 का डाटा चेंज हो गया। आपको मैं एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये अभी अपडेट करना है आज का डाटा, तो आज के लिए 28 के बाद हमें 29 का करना है, तो हम वहाँ वन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए डेट 29 का हो गया है। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर वो जो आपको सिक्योरिटी का जो था सिंगल बार ही मांगेगा एक बार, तो ये हम यहाँ ओके करते हैं, तो डाटा यहाँ से ऑटो में चेंज होता है। मैं आपको जैसे देखिए डाटा है हो रहा है, आप ये देखिए कि डाटा जो है ऑटो में रिफ्रेश होके आ जाएगा। मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। जस्ट दोस्तों, ये सीट मैं एक बार क्लोज कर लेता हूँ अपना, ताकि ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है यहाँ से, तो ये भी चीज़ें नहीं आएंगी। चलिए, डाटा यहाँ से रिफ्रेश हो गया। आप देखें यहाँ से 29 का डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाव कॉपी में जब आप क्लिक करेंगे, तो आप देखें यहाँ 29 का डाटा आ गया, यानी ये फिर अभी आपको 29 का डाटा आ गया। तो अभी एक बार हम जब डाटा आ गया, तो यहाँ हम 25 के बाद देखिए 28 का हुआ है। एक बार मैं यहाँ से -2 कर लेता हूँ, 2 ओनली, तो हमें 28 का डाटा यहाँ रिफ्रेश में कर। जब भी आपको डेट चेंज करना है, एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करना है, ताकि डाटा वहाँ से वो फेच कर सके। डाटा यहाँ से फेच कर लेगा, फिर एक बार हमें चेक कर लेना है कि डाटा आया कि नहीं। देखिए डाटा यहाँ 28 का, 28 का आ गया, दोनों जगह डाटा है 28 का आ गया। जैसे डाटा आ जाएगा, आपको डाटा आने के बाद आपको क्या करना है कि ये रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिकॉर्ड पे करेंगे, ये पूछेगा कैटेगरी यू वांट टू रिकॉर्ड डाटा, आपको ऑटो में ये कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड होता जाएगा। इसके लिए आपको पहले रिकॉर्ड होने के लिए आपको डेवलपर ऑन होना चाहिए, जब एक्सेल में डेवलपर और मैक्रो इनेबल होना चाहिए, ये दोनों चीज़, तभी ये डाटा रिकॉर्ड होगा, नहीं तो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, जो डेवलपर है, डेवलपर रिवन ये ऑन होना चाहिए। कहाँ से ऑन होगा मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा कैसे होगा। तो ये पूरा डाटा देखिए 1 मंथ का डाटा है, ये पूरा यहाँ से डाटा कॉपी पेस्ट होता है। चलिए, देखिए डाटा यहाँ से पूरा हो गया, ये डाटा ऑलरेडी कॉपी यहाँ दिखा दिया, और आप देखें कि यहाँ डाटा एक ऑटो में ये डेट 28 का आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको 29 का रिकॉर्ड करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम वन कर देंगे और क्या है, इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, तो हमारा डाटा 29 का ये डाटा ऑटो में देखिए कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपिंग वन डाटा फ्रॉम, ये आपको डाटा आ जाएगा। तो आप इस प्रकार ये जो है FNO डाटा चेक कर सकते हैं।
बाव कॉपी में आपको एक बार देख लेना, जैसे ये डाटा आ जाएगा, आ गया होगा देखिए 29th का, और ये भी देखिए 29th का डाटा आ गया। फिर आपको जैसे डाटा आ जाए आपको एक बार रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, बस आपको इतना ही काम करना है। आप जैसे ये रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ये डाटा आपको रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ये डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा आपको आगे का डेट दिख जाएगा। इसको एनालिसिस कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये चीजें आपको यहाँ से डाटा थोड़ा सा टाइम लगेगा तो, क्योंकि बहुत सारा डाटा है दोस्तों इसमें, बहुत सारे डाटा आपको रिकॉर्ड होता है। बाकी आपको और सीटों में, जैसे ये मेन सीट में, इस सब सीटों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे डेट 29th का आ गया, तो इस प्रकार आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 30 का करना है आपको, इनिशियल में करना है, तो आप जीरो कर दीजिए, जैसे यहाँ आप जीरो कर दीजिए, ये आपको आज का डेट दिख जाएगा। देखिए आप यहाँ फिर एक बार रिफ्रेश करिए। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि 2 से 3 दिन का अगर हम डाटा मान लीजिए रिकॉर्ड हम नहीं कर पाते हैं, अगर हमको वहाँ पिछले का भी रिकॉर्ड करना है, तो आपको डाटा ऑटो में रिकॉर्ड कैसे करना है, कैसे होता जाएगा प्रोसेस वाइज। हाँ, इसके बाद हम एनालिसिस कैसे करेंगे, एक और हमारा सीट है एफपीआई वाला, उसको हमें डाटा कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी मैं आपको सीट में दिखाऊंगा। पहले हम इस चीज़ों को सेलेक्ट समझ लेते हैं। जैसे आपको डाटा यहाँ आ गया, आप यहाँ एक बार चेक कर लेंगे बाव कॉपी में जाके, तो इसको मैक्सिमम सीट भरने में देखिए दोस्तों, ये 30 का डाटा अभी आया, जस्ट देखिए आपके सामने 30 का डाटा यहाँ पे भी आ गया होगा। ये FNO भी देखिए 30 का डाटा आ गया, और यहाँ पे आके क्या रिकॉर्ड कर दें। आपको दो काम करना है, रिफ्रेश एंड रिकॉर्ड, बस और कुछ नहीं करना है, डेट चेंज, रिफ्रेश एंड रिकॉर्ड। तो डाटा क्या होगा ऑटो में ये रिफ्रेश और रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर इसको मैं एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको भी अगले प्रोसेस में दिखाऊंगा। एक बार डाटा थोड़ा रिकॉर्ड हो जाए ताकि एक समझने में आपको पूरा आसानी रहे। तो चलिए देखिए डाटा ऑटो में ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, आपको उसमें कोई भी छोड़ नहीं। इसके लिए आपको डेवलपर ये ऑन होना चाहिए जरूर, डेवलपर और माइक्रो इनेबल होना चाहिए ताकि इसमें माइक्रो लिखा हुआ पूरा डाटा ऑटो में रिकॉर्ड हो सके। जब तक आपको ये डाटा रिकॉर्ड होता है तब तक आपको कुछ नहीं करना। देखिए 30 का डाटा आ गया अभी, अब आपको हमें एनालिसिस करना है, इस सीट को हमें एनालिसिस करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमने सेक्टर वाइज डाल रखा है। जैसे इस सेक्टर में ड्रॉप डाउन करेंगे ये पूरे सेक्टर का लिस्ट खुल जाएगा, और सेक्टर का जैसे ही ये लिस्ट खुलेगा सेक्टर के वाइज में, जैसे आपको मेटल एंड माइनिंग सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मेटल माइनिंग सेलेक्ट किया, तो ये जो स्टॉक्स हैं ये सेक्टर का पूरा स्टॉक खुल जाएंगे, जितने भी मेटल माइनिंग में ये स्टॉक्स आपको खुल जाएंगे। आप चीज़ों को समझिए ठीक है। यहाँ पे ये हमने डाल रखा है FNO स्टॉक्स, जो भी FNO स्टॉक है उसका यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन है ये। इसके बाद है हमारा निफ्टी 50 का है ड्रॉप डाउन, ये लिस्ट आप देखें। इसके बाद निफ्टी 50 का, इसके लिए हमें क्या करना है, जिस आपको जिस अगर हमें मान लीजिए ये सेट सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है, तो हाँ आप जो करंट सिलेक्शन लिखा है हम यहाँ करेंगे इक्वल टू करेंगे और ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है। ये देखिए फिर इसका स्टॉक खुल जाएगा, जो भी हम इस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे इसमें वो स्टॉक का लिस्ट ऑटो में चेंज होता जाएगा। जैसे इसे BDL हमको देखिए यहाँ सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पर BDL चेंज हुआ और ये डाटा ऑटो में BDL का आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी एंट्री है यहाँ 380 के पास BDL में एंट्री आई है, ये 395 के पास अभी 398 चल रहा है, तो यहाँ एंट्री है। जैसे मुझे कुछ और स्टॉक सिलेक्शन करना है BDL की जगह, मान लीजिए आपको कुछ और यहाँ आपको कोई भी स्टॉक जिसमें जो आपको यहाँ लिस्ट ये मैंने क्या है BSE से लिखा है, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि BSE और NSE में स्टॉक्स बहुत से अलग अलग हैं। मान लीजिए मुझे सेल किए करना है तो मैंने सेल पर सेलेक्ट किया, तो देखिए पूरे सेल किया। अगर ये FNO का होगा तो FNO का डाटा आपके सामने आ जाएगा। 99 पर सेल का एक एंट्री आया था, देखिए यहाँ पे होगा। चलिए मुझे चाहिए कि मैं निफ्टी FNO का स्टॉक्स एनालिसिस करना था, तो आपको क्या करना है, यहाँ इक्वल टू करना है और इस वाले सेल को जो C2 है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या होगा, देखिए आपको ये स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए क्या है, अल्ट्रा जो सेमको है ये इसका पूरा आ जाएगा एनालिसिस। आप यहाँ पे जो भी है आप यहाँ आप सिलेक्शन करेंगे तो बिल्कुल वहाँ इसका बिरला सॉफ्ट, अब देखें इसका डाटा आ जाएगा 100% पूरा। तो जब अगर मान लीजिए कमिंस इंडिया का हम करना चाहते हैं, कमिंस इंडिया आपके सामने आ गया, तो यहाँ अगर मुझे मान लीजिए निफ्टी 50 का करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इक्वल टू करके निफ्टी 50 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। बस ये जैसे सिलेक्ट करूंगा ये देखिए क्या है, डाटा पूरा निफ्टी 50 का आ जाएगा। यहाँ पे हम जो भी स्टॉक चेंज करेंगे वो ऑटो में उसका क्या है, जैसे LT का मुझे करना है, तो देखिए ऑटो में ये चेंज होता जाएगा। मैंने इसको क्या किया, पूरे एक बॉर्डर व्यू और वेरिएबल दे दिया ठीक है। IBPCL का मुझे करना है, तो ये आपका पूरा एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा ये सीट है FPI का, जो 15 दिन पे डाटा आता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको FPI डाटा है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमें डेट चेंज करना है। मुझे मान लीजिए 15 फरवरी है, तो हमको यहाँ 15 फरवरी कर देना है, 15 फरवरी का। और मान लीजिए मैं यहाँ पर जाके आपको क्या करूँ कि जो भी सीट है यहाँ आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर डाटा 15 फरवरी तक का आ जाएगा। आप ये ऐसे देखें रिफ्रेश करेंगे तो ये फरवरी 15 से, ये देखिए फरवरी 15 का डेट आ गया। और आप यहाँ पे
पूरे सी चार्टों में देख सकते हैं कि हाँ 1 से जनवरी 1631 और 1 से 15 का बीच पूरा डाटा आ गया। मुझे एक मंत्र कहने चलिए 15 के बाद, मान लीजिए 28 फरवरी का चाहिए, यानी 28 फरवरी से 15 फरवरी, इसके बाद 28 फरवरी, जो भी अपडेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ, और आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करना है और इस पर रिफ्रेश पे एक बार क्लिक करना है। तो देखिए ये फरवरी 28 का डाटा आपके सामने आ गया और ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा कि 1 से 15 और 16 से 28 फरवरी के बीच कितना कौन से सेक्टर में एनालिसिस हुआ है। तो ओवरऑल आपको यहाँ से ही सब कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये सीटें रहा, आप यहाँ से किस सेक्टर में एनालिसिस हुआ, कहाँ हुआ, किस सेक्टर में बड़े प्लेयर इन्वेस्टमेंट किया, आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो अगर आपको अगर सीट हमें प्रोवाइड कराता हूँ तो इस प्रकार ये एनालिसिस रहा। अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर किसी ने किसी टिप लिखा है 9541398493 है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर मुझे कभी भी कॉल या कभी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ इस सीट के लिए बनाया हूँ ताकि जो भी लोग मुझसे ये सीट अगर बाई करते हैं या फिर उनको मैं देता हूँ तो उनको कैसे एनालिसिस करना है ये वीडियो में बताया गया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक भी हमने अगर ये है मेरा एक इसमें अलग है, मैं इस सीट को प्रोवाइड नहीं करता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन का है। यहाँ मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते हैं ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी और बिल्कुल मुंह तक पहुंच सके।